हाय गाइस, नमस्ते। कैसे आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि लड़का होने के कुछ ऐसे लक्षण, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे साथ कितना हद तक मैच किया है, कौन से सिम्टम मुझे बॉय के टाइम पे दिखाए, कौन से सिम्टम्स मुझे गर्ल के टाइम पे दिखाए, और गर्ल के सिम्टम्स अलग थे, बॉय के सिम्टम्स अलग थे। या मैं ऐसे होता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है तो लोग अगल बगल के रिलेटिव हो, घर वाले हो, सब अंदाजा लगा लेते हैं। अरे लोग अपना अपना अनुमान लगाने लगते हैं, क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोल कर गए हैं, वो बहुत सारी महिलाओं पर टेस्ट किए हैं कि बॉय के टाइम पर कौन कौन से लक्षण मोस्टली महिला में नज़र आते हैं। तो कंपेरिजन करके गर्ल वाले सिम्टम्स क्या है, बॉय वाले सिम्टम्स क्या है, वो अंदाज़ा लगा कर गए हैं। और आज के भी ज़माने में बहुत ज़्यादा सच होता है वो वाले सिम्टम्स। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो लोग बॉय के टाइम पे, अच्छा तुमको बॉय होगा, तुम्हारा पेट ऐसे निकला है, तुम्हारा कमर नहीं, कमर पे कुछ नहीं है, तो बहुत सारे लोग अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप नहीं पता लगा सकते हैं, ये कानूनन जुर्म है हमारे देश में। भी लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं करती हूँ, क्योंकि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो हमारे मन में भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे क्या होने वाला है, फ्यूचर प्लानिंग चल रहा होता है माइंड में, बहुत सारे नेम आते हैं, आगे का प्लानिंग क्या होगा, लड़की है तो एक लड़का हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे अगल बगल में भी ये चीज़ देखा हुआ है कि जिनकी लड़की है वो चाहते हैं कि मेरा एक लड़का हो जाए, जिनका लड़का है वो चाहते हैं मेरी एक लड़की हो जाए, अगर दो लड़की हो गई है तो वो चाहते हैं कि एक भाई आ जाए तो फैमिली कम्प्लीट हो जाए, या फिर एक लड़का है तो वो चाहते हैं कि एक लड़की हो जाए तो फैमिली कम्प्लीट हो जाए। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा बाल होने लगे हैं, हाथों में बाल होने लगे हैं, अंडर आर्म्स में बाल होने लगे हैं, पैरों में बाल होने लगे हैं, बालों का ग्रोथ अच्छा हो गया है, शाइनिंग हो गया है, बाल लंबे हो रहे हैं आपके, बाल टूट नहीं रहे हैं, तो ये सारे संकेत आता है लड़के की तरफ कि अगर आपने लड़का कंसीव किया है तो बोला जाता है कि आपके बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। और लगा दूंगी कि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, टाइम पे भी अच्छे थे, लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए तो मेरे लड़के के टाइम पे ज़्यादा अच्छे हेयर ग्रोथ हो गए थे। और मुझे अपने बालों का ध्यान है लेकिन मेरे हाथ पैरों का मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे हाथ और पैर के बाल कितने आते थे, क्योंकि मैं रेगुलर 1 वीक में मैं वो लेडी सेवर जो होता है उसमें क्लीन कर लिया करती थी, और अभी भी मेरा आदत है, तो उस वो चीज़ मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे बाल का ग्रोथ ज़्यादा था या फिर कम था। कम तो नहीं था इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं उस समय भी 1 वीक या फिर 10 डेज में क्लीन करती थी, अभी भी मैं 1 वीक 10 डेज में क्लीन करती हूँ, या फिर 10 डेज से ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे 1 वीक 10 डेज में क्लीन कर लिया करती थी, तो कम तो नहीं थे। अगर ज़्यादा हुए होंगे तो वो मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा हुए होंगे तो ध्यान नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आपके बाल हेयर ग्रोथ ज़्यादा आ रहे हैं, हाथों के पैरों के पूरे बॉडी में अगर बाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय हो गए थे। और बेबी गर्ल के टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बेबी गर्ल की थी, मेरे पैर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई थी, क्रैक्स आ गए थे उसमें, और मैं स्लीपर्स भी पहन के चलती थी। फर्स्ट मंथ से ही मैं देखती थी कि मेरे पैर क्रैक्स हो गए हैं, मेरे पैर फटना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे मेरे पैर नॉर्मली मतलब फटते नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिंक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फटते भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम पर मेरे पैरों में क्रैक्स आ गई थी, तो मुझे लगता था शायद मैं अपनी केयर नहीं कर रही हूँ इसलिए क्रैक्स आ रहे हैं मेरे पैरों में। और जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो इस टाइम पे मैं बिल्कुल अपना पैर का केयर नहीं करती थी, मैं बिना स्लीपर्स का, क्योंकि पेट आगे था तो मैं बहुत देर तक वॉकिंग करती रहती थी और बिना स्लीपर्स का मैं वॉकिंग करती थी। उसके बाद भी मेरे पैर बिल्कुल सॉफ्ट और पिंक, बिल्कुल क्रैक्स नहीं आए थे और सॉफ्ट फील होते थे, पिंक फील होते थे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके पैर
में क्रैक्स नहीं आया है, आपके पैर सॉफ्ट और पिंक फील हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीलू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरी इस फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।